नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मस्टर्ड क्रॉप की फार्मिंग के बारे में। अभी लगभग जो है विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। इस टाइम आप देखते हैं कि बहुत सारे वेजिटेबल की सोइंग होगी। वेजिटेबल क्रॉप है, मस्टर्ड क्रॉप है, बीट है, ग्राम है और भी ब्लैक ग्राम वगैरह, इनकी सोइंग चालू हो जाएगी है सेप्टेम्बर अक्टूबर समथिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं मस्टर्ड क्रॉप के बारे में, इसकी जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कब सोइंग टाइम करें, कौन सी सीड रहती है, सीड रेट क्या रहती है, कौन से पेस्टिसाइड यूज किया जाए, कौन से फर्टिलाइजर का यूज किया जाए, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीजन कौन सा सही रहता है इसके लिए उपयुक्त टाइम। तो उपयुक्त टाइम की मैं बात करूँ तो इसके लिए सेप्टेम्बर और अक्टूबर मंथ, इस टाइम आप सोइंग कर सकते हो। मतलब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप लगाते हो तो इसका आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर ज्यादा लेट हो जाता है तो फिर प्रोडक्शन में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर एकदम परफेक्ट टाइम है मस्टर्ड क्रॉप की सोइंग के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वेराइटी का यूज किया जाए जो आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे सके। तो मैं बात करने वाला हूँ, आप पाइनियर को सेलेक्ट कर सकते हो, पाइनियर का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्रिस्टल का 52-10, 52-22 आता है, वो आप यूज कर सकते हो। एडवांटा का 414 करके आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। प्रो एग्रो का भी मस्टर्ड सीड आता है, एक काला मोती करके आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा आपको। अभी हम बात करने वाले हैं सीड रेट के बारे में कि मस्टर्ड क्रॉप में सीड रेट कितनी रखे जिससे अच्छा बेनिफिट मिले। तो आप 1.5 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका सीड रेट रखें। मतलब 1.5 से 2 किलो ही आपको रखना है, इससे ज्यादा जैसे 3-4 किलो, 4-5 किलो ऐसा नहीं रखना है। वो HDP प्रॉब्लम हो जाता है, उससे आपको प्रोडक्शन में इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप 1.5 से 2 kg जो है एकदम परफेक्ट सीड रेट है, इस हिसाब से आप सोइंग करें। अभी हम बात करने वाले हैं कि उसमें हर्बिसाइड कौन सा यूज करें। तो आप हर्बिसाइड में आप UPL कंपनी का आता है, दोस्त आता है, और पेंटामेथलन जिसमें आता है 30 आता है, 38% भी आता है। तो वो प्री एमरजेंस के रूप में काम करता है, मतलब बुवाई 48 घंटे के अंदर आपको वो यूज करना रहता है, उससे आपके जो भी वीड रहते हैं वो वीड अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि उसमें कौन से फर्टिलाइजर का यूज किया जाए जिससे अच्छा बेनिफिट मिले आपको। तो उसमें सबसे पहले आप जो गोबर की खाद है वो आप लगभग 10 से 15 टन गोबर की खाद पर एकड़ के हिसाब से ले। यूरिया 50 से 70 किलो समथिंग आप यूरिया ले एकड़ के हिसाब से, और जो 50 किलो है SSP आप ले, सिंगल सुपर पोटास, वो अपने जो यूरिया हो गया, पोटास हो गया, और अपने जो है गोबर खाद, वो तीनों आप यूज कर सकते हो, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एक आपको सल्फर यूज लेना है 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जिंक आपको लेना है 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और जो ह्यूबल एनसीएस कंपनी का आता है जिसमें ह्यूमिक एमिनो सीविड और फुलविक रहते हैं, वो भी आप 2 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से फर्टिलाइजर यूज दे। सोइल एप्लीकेशन करें, मतलब ब्रॉडकास्टिंग करें, उससे जो मिट्टी होगी मिट्टी भी सुधार होगा, सोइल इरिगेशन अच्छा होगा, और जो क्रॉप होगी वो ग्रीनिश भी अच्छी आएगी, और जो प्रोडक्शन होगा वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं कि उसमें जो प्लांट से प्लांट की दूरी होती है और जो रो से रो की दूरी होती है, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें और डेप्थ का कितना रखें, वो अभी हम बात करेंगे। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी आप 10 से 15 सेंटीमीटर रखें, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। फिर जो रो से रो है, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी, वो आप 20 से 25 सेंटीमीटर तक रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 भी रख सकते हो, मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर आप रो टू रो डिस्टेंस रखें। और जो डेप्थ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर आप रखें, मतलब जो गहराई होती है उसकी डेप्थ वो 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो उपयुक्त है। अभी जैसे इरिगेशन कितना करें, मतलब कोई 7-8 इरिगेशन कर देते हैं, कोई 2-3 कर देते हैं, तो इरिगेशन आप 4 से 5 इरिगेशन करना है। पहला इरिगेशन है वो आप 20 से 25 दिनों के अंतराल पे कर सकते हो, तो आपको 4 से 5 इरिगेशन ही करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अभी हम बात करेंगे कि उसमें जो पेस्ट होते हैं, मेजर पेस्ट, वो कौन से लगते हैं। तो उसमें एफिड की समस्या ज्यादा आती है, आप देसी जो लैंग्वेज है उसमें मोइला वगैरह भी कह सकते हो, अलग अलग लोग भाषाओं में अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग कहते हैं, लेकिन एफिड जो होता है अलतेला, उसका जो होता है मतलब इफेक्ट वो ज्यादा देखने को मिलता है। पेंटेड बग जो आता है, बग आते हैं वो लग जाते हैं, उसमें एक कैटरपिलर लग जाता है, जब अपनी क्रॉप बड़ी हो जाती है तो फ्लावर टाइम में उसमें एक कैटरपिलर भी लग जाता है। तो उनके कंट्रोल के लिए
लिए आप थोरलेट एग्री वेगरी कंपनी का आता है, थोरलेट जिसमें थायमेथोक्सम प्लस लैम्ब्रा आता है वो 10 एमएल पर वर्म के हिसाब से यूज कर सकते हो। क्लोरेंटिस जिसमें क्लोरेंटिनापोल आता है वो आप 6 से 7 एमएल पर वर्म के हिसाब से यूज कर सकते हो। प्रोफेनोसाइपर क्लोरोसाइपर ये भी आप 30 एमएल पर वर्म के हिसाब से यूज कर सकते हो। ये अच्छे इंसेक्टिसाइडर वो डिवाइड है। अभी हम बात करने वाले फंगस में, तो इसमें फंगस की प्रॉब्लम कौन से आते हैं सरसों के फसल में? तो फंगस में हम देखेंगे कि एक तो जैसे ब्लाइट हो जाता है, डाउन इम्यूनिटी हो जाता है, और जैसे कि जो रस्ट होती है वाइट रस्ट वो भी लग जाती है। तो उनके कंट्रोल के लिए आप यूपीएल साफ ले सकते हो, मैल्थोजन कार्बन डीजमन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो कोई भी कंपनी का, एक मेटा लिक्लिपस मैनकोजेब आप ले सकते हो 30 से 40 ग्राम पर पंप के हिसाब से, तो उससे आपको फंगस का जो कंट्रोल है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और तो ये हो गए इंसेक्ट और फंगस, और कौन से इंसेक्ट लगते हैं, कौन से फंगस लगते हैं और उनका कंट्रोल कौन से मेडिसिन यूज करके करें, ये तो बात होगी स्प्रे की। अभी हम बात करने वाले कि जो क्रॉप का जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन का होता है, तो इसमें जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है लगभग 100 से 120 दिन का क्रॉप ड्यूरेशन होता है। और जो इसकी उपज की हम बात करो तो उपज लगभग 12 से 15 क्विंटल पर एकड़ के जो होता है उपज वो इसकी उपज होती है। तो ये एक थी मस्टर्ड क्रॉप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस बारे में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉप में हम वेजिटेबल क्रॉप के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।